हेलो बच्चों, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, शेप ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग देखे थे। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है और उसका डिफरेंट चार्ज बॉडीज या डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमको कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स गिवेन है, सो हाउ टू ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, वी हैव स्टडीड अबाउट इट। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी वॉट इज द कैपेसिटर। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी अबाउट द कैपेसिटर। ओके, क्या होता है कैपेसिटर? ओके, वी विल स्टडी अबाउट इट। ओके, कि कैपेसिटर क्या होता है? ओके, क्या काम होता है कैपेसिटर का? ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, देखो, कोई भी मेटेलिक बॉडी हो, कोई भी कंडक्टिंग बॉडी, ओके, एनी ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी, ओके, कोई भी कंडक्टर हो, वो क्या कर पाएगा? चार्ज को स्टोर कर सकता। ओके, कोई भी बॉडी जो चार्ज को स्टोर कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कैपेसिटर। ओके, तो देखो क्या है डिवाइस, ये एक डिवाइस होता है। कोई भी बॉडी ले लो, लाइक दिस, कोई एक ऐसे रेंडम शेप का, किसी शेप का कोई एक हमने कंडक्टिंग बॉडी ले लिया। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इसको, अभी इसमें कोई चार्ज है? नो, देयर इज नो चार्ज। ओके, अगर कोई चार्ज नहीं है मतलब ये न्यूट्रल है। अब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इस बॉडी को चार्ज करना स्टार्ट करते हैं, इसको चार्ज देते हैं बाहर से। ओके, तो मान लो हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, हमने एक होल बना के यहाँ सेंटर पे चार्ज ले जाके छोड़ रहे हैं। ओके, दिस, तो हमने एक चार्ज यहाँ पे रखा सेंटर पे, ओनली वन चार्ज। इस चार्ज को कोई रिपेल करने वाला है क्या? नहीं है कोई, तो ये यहीं रहेगा। ओके, जब हम दूसरा चार्ज दे देंगे, दूसरा चार्ज दिए तो क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करने लगे? रिपेल, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव सिमिलर नेचर के हैं, तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन, तो ये एक दूसरे से दूर होंगे। ओके, तो रिपेल करके ये एक दूसरे से दूर होते होते कहां पहुंच जाएंगे? एक चार्ज यहां सरफेस पे पहुंच गया इधर, दूसरा चार्ज इधर, मैक्सिमम जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर जाएंगे। ओके, दिस नेक्स्ट चार्ज हमने यहाँ पे लाके दिया हियर सेंटर पे, तो क्या होगा, ये तीनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। जब ये तीनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये एक दूसरे से दूर होंगे, और ये एक दूसरे से दूर होके, दूर क्यों होते हैं? ताकि इनके बीच में रिपल्सन, तब तक ये दूर होंगे जब तक रिपल्सन मिनिमम ना हो जाए। ओके, तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, लाइक दिस। जब हम फोर्थ चार्ज देंगे लाइक दिस, तो ये चारों एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, तो ये चारों एक दूसरे को रिपेल करते करते फिर अपने पोजिशन को एडजस्ट करके लाइक दिस, यहां में लाइक। ओके, ऐसे अगर हम इस बॉडी को चार्ज करते जाएं, इस बॉडी को चार्ज देते जाएंगे, तो इन चार्जेस के बीच में क्या होते जाएगा? रिपल्सन बढ़ते जाएगा, और जितना ज्यादा हम चार्ज करेंगे उतना ज्यादा रिपल्सन बढ़ेगा। तो रिपल्सन बढ़ने से क्या हुआ, हम जब इसमें चार्ज को स्टोर करते जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो व्हाट विल हैपन, द रिपल्सन बिटवीन द चार्जेस विल इंक्रीज कंटिन्यूअसली। ओके, रिपल्सन इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, ये जो चार्जेस इस बॉडी पे आ गए, ये क्या है? सिमिलर नेचर के, और ये चार्ज एक दूसरे को क्या करने लगेंगे? रिपेल करेंगे। जितना ज्यादा चार्ज स्टोर करेंगे उतना हाई रिपल्सन होगा। ओके, जैसे देखें, मान लो ये वाला चार्ज है, इसको रिपेल करने वाले कितने हैं? ये सारे रेस्ट ऑफ द चार्जेस विल रिपेल इट। ओके, तो इनमें रिपल्सन क्या हो गया? बहुत ज्यादा हाई इंक्रीज, बहुत इंक्रीज हो गया। ओके, तो रिपल्सन बढ़ने के कारण अब ये एक दूसरे से दो, इनको अगर अब क्या होगा, मान लो हमने एक एग्जांपल लेते हैं, एक कोई बॉडी है, इसमें ओनली वन पॉजिटिव चार्ज है। ओके, दिस, दूसरा एक अनचार्ज्ड बॉडी हमने लिया, एक अनचार्ज्ड बॉडी लिया और इसको यहां से कनेक्ट कर दिया। अब ये बताओ, ये अनचार्ज्ड है, ये चार्ज्ड है, बट यहां देयर इज ओनली वन पॉजिटिव चार्ज। ओके, देन व्हाट विल हैपन, ये पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां मूव करके जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि ना इसको कोई रिपेल करने वाला है, ना इसको कोई अट्रैक्ट करने वाला है, तो ये जहां है वहीं रहेगा, चार्ज का फ्लो नहीं होगा। ओके, अब देखो क्या हुआ, हमने यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज हैं, जब ये दो पॉजिटिव चार्ज होंगे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो जब हम इनको कनेक्ट कर देंगे, हमने एक अनचार्ज्ड बॉडी को लाके इस चार्ज बॉडी से कनेक्ट कर दिया थ्रू द वायर, कंडक्टिंग वायर, देन व्हाट विल हैपन, दीज चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, और यहां से ये चार्ज, एक चार्ज यहां से रिपेल होके यहां पहुंच जाएगा, लाइक दिस। ओके,
अब देखो क्या हुआ, तो यहाँ चार्ज का फ्लो हो रहा है बट बहुत धीरे धीरे जाएगा क्योंकि रिपल्सन कम था। ओके, जब हम इनमें चार्ज को बढ़ा देंगे लाइक दिस, तीन चार पांच चार्जेस को बढ़ा दिया, ओके, ज्यादा चार्ज हो गए तो ज्यादा रिपल्सन होगा। अब जैसे ही इस बॉडी को, अनचार्ज बॉडी को हम इससे कनेक्ट करेंगे, हम जैसे ही इस अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी से कनेक्ट करेंगे, रैपिडली द चार्ज विल मूव फ्रॉम दिस चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी, क्योंकि यहां में रिपल्सन क्या हो गया, बहुत ज्यादा, और रिपल्सन जितना ज्यादा होगा चार्ज उतना फास्ट मूव करेगा। इट मींस दैट कि रिपल्सन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इन चार्जेस के पास एनर्जी होगा, ताकि उसी एनर्जी, जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना फास्ट ये मूव करेंगे। तो ये चार्ज यहां से मूव करके इधर कुछ आ जाएंगे लाइक दिस, ऐसा कुछ। ओके, तो वही हम बोल रहे हैं कि यहां पे देखो इस चार्ज का एनर्जी कितना था, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये मूव नहीं किया। यहां में जब हम दो चार्ज दिए तो क्या हुआ, इनके पास कुछ एनर्जी आ गया बिकॉज ऑफ रिपल्सन, तो ये चार्ज यहां से रिपल्सन के कारण मूव करके यहां पहुंच गया। एक चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा रिपल्सन होगा, और रिपल्सन जितना ज्यादा होगा अगर हम कोई अनचार्ज्ड बॉडी को कनेक्ट करेंगे तो तुरंत चार्ज मूव करेगा फ्रॉम चार्ज बॉडी टुवर्ड्स अनचार्ज्ड बॉडी। मींस अगर हम रिपल्सन चार्जेस के बीच में कब बढ़ रहा है, जब हम जितना ज्यादा चार्ज स्टोर करेंगे उतना ज्यादा रिपल्सन, चार्जेस का गैदरिंग जितना ज्यादा होगा उतना रिपल्सन होगा, और जितना ज्यादा इनके बीच में रिपल्सन होगा इन चार्जेस के पास में क्या आ जाएगा, एनर्जी, इनकी एनर्जी बढ़ेगी। ओके, मींस हम क्या एक्चुअली कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअली इस बॉडी में चार्ज स्टोर कर रहे हैं। चार्ज स्टोर करने के कारण क्या हो रहा है, इन चार्जेस के बीच में रिपल्सन बढ़ रहा है, रिपल्सन बढ़ने के कारण क्या हुआ, इन चार्जेस के पास में एनर्जी आ गई। तो वी कैन से दैट कि व्हाट इज कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं। किसके फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, इन फॉर्म ऑफ चार्ज। ओके, एक्चुअली हम क्या स्टोर कर रहे हैं, चार्ज को। चार्ज को स्टोर करने से क्या हो रहा है, चार्जेस के बीच में रिपल्सन बढ़ रहा है, और चार्जेस के बीच में रिपल्सन जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना उनकी उनकी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द चार्ज विल इंक्रीज। ओके, और जितना हाई एनर्जी होगा चार्ज के पास में उतना रैपिड चार्ज एक बॉडी से, जब दूसरा कोई अनचार्ज बॉडी अगर हम कनेक्ट करेंगे तो चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी की तरफ चार्जेस मूव करेंगे। ओके, दिस, तो कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं कैपेसिटर को। सो अ कैपेसिटर, ये क्या है, इट इज अ डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई भी बॉडी किसी शेप का हो, वो रेंडम हो, कैसा भी हो, मेटेलिक बॉडी कोई है, ओके, कंडक्टिंग कोई बॉडी है मेटल का बना हुआ, उसमें वो क्या कर सकते हैं, उसमें चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं। ओके, और अगर हम चार्ज स्टोर कर सकते हैं तो वो किसके जैसा हो गया, लाइक अ कैपेसिटर। ओके, तो कैपेसिटर क्या होता है, एक कंडक्टिंग बॉडी होता है। ओके, और किसी भी कंडक्टिंग बॉडी को हम कैपेसिटर बोल सकते हैं क्योंकि उसमें हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। जिस भी बॉडी में हम चार्ज को स्टोर कर पाएंगे उसको क्या बोलेंगे, दैट इज अ कैपेसिटर। ओके, और चार्ज स्टोर करने से व्हाट हैपेंस, चार्जेस के बीच में रिपल्सन बढ़ता है, रिपल्सन बढ़ने से क्या होता है, चार्जेस की इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। तो जितना ज्यादा चार्ज स्टोर करेंगे उतना ज्यादा इन चार्जेस का एनर्जी इंक्रीज होगा। ओके, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो कैपेसिटर होता है, ओके, उसको वो क्या, एक्चुअली एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं। ओके, एंड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, एक्चुअली हम क्या स्टोर कर रहे हैं, चार्ज। तो किसके फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, चार्ज के फॉर्म में। ओके, चार्जेस के स्टोरेज से चार्ज स्टोर करते हैं तो चार्जेस के बीच में रिपल्सन बढ़ता है, रिपल्सन बढ़ने के कारण चार्जेस की एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे हमने यहां में देखा केवल सिंगल चार्ज था तो दूसरा एक अनचार्ज्ड बॉडी हमने जब कनेक्ट किया तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा क्योंकि इसको कोई रिपेल करने वाला ना, अट्रैक्ट करने वाला कोई नहीं है। ओके, तो वो जहां था वहीं पड़ा रहा। जब इनके बीच में चार्जेस के बीच में रिपल्सन बढ़ेगा तभी चार्ज मूव करेगा, जितना ज्यादा रिपल्सन उतना रैपिड मूवमेंट होगा। ओके, दिस, तो व्हाट हैपेंस, लेट्स सी। हमने देखा है डियर स्टूडेंट्स,
कि अगर हम किसी बॉडी पे जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग देख रहे थे कि मान लो कोई भी बॉडी ले लेते, चलो ऐसे एक हमने स्फेयर ले लिया, लाइक दिस इज अ स्फेयर, कंडक्टिंग स्फेयर। तो हमने क्या किया, इसमें चार्ज स्टोर किया, कितना चार्ज स्टोर कर दिया, लेट इट बी क्यू। हमने क्यू चार्ज स्टोर किया, और जब हम क्यू चार्ज इसमें स्टोर करते हैं तो इसका मान लो रेडियस कितना है, लेट इट बी आर। तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ दिस बॉडी, ओके, तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी वी इज इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये हम लोग देखे थे, ये क्या है कॉन्स्टेंट, ये आर क्या है इज द रेडियस, कॉन्स्टेंट। तो यहां से अगर हम देखें तो क्या है कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, क्यू। मीन्स जितना ज्यादा चार्ज स्टोर करोगे उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा, स्टोर चार्ज को डबल कर दो तो पोटेंशियल ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, डबल। ओके, पोटेंशियल स्टोर चार्ज को आधा कर दोगे तो पोटेंशियल का जो बॉडी का पोटेंशियल वो कितना हो जाएगा, पहले से आधा। ओके, इट मीन्स दैट कि जो स्टोर चार्ज है, ये जो पोटेंशियल है किसी बॉडी का, किसी कंडक्टिंग बॉडी का, वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टोर चार्ज। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम हियर वी कैन से दैट, वी कैन से दैट कि अगर हम किसी बॉडी में स्टोर करते हैं, कितना चार्ज हमने इसमें स्टोर कर दिया, लेट इट बी क्यू। तो अगर हम चार्ज स्टोर कर रहे हैं तो इस बॉडी का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई हमारे पास एक एक कंडक्टिंग बॉडी है, ओके, उस कंडक्टिंग बॉडी का अगर पोटेंशियल कम है तो उसमें स्टोर चार्ज कम है। पोटेंशियल उसका, उस कंडक्टिंग बॉडी का, मान लो हमारे पास दिस इज अ कंडक्टिंग बॉडी, ओके, ये एक कंडक्टर है दिस, ओके, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी कम है तो इसमें चार्ज भी कम होगा। हमने इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ा दिया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ा दिया इसका मतलब क्या हुआ, इसमें स्टोर चार्ज को डबल कर दिया, तभी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डबल हो। ओके, तो वी कैन से दैट फ्रॉम हियर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द स्टोर चार्ज ऑन अ बॉडी, ऑन अ कैपेसिटर, हम कंडक्टिंग बॉडी को ही कैपेसिटर बोल देते हैं, ओके, ऑन अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर, ओके, कि जो उसमें स्टोर चार्ज है वो किस पे डिपेंड, किसके प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल। पोटेंशियल डबल कर देंगे बॉडी का तो उसमें जो स्टोर चार्ज होगा वो भी क्या होगा, डबल हो गया। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, वी। अगर किसी बॉडी का वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डबल कर दिया मींस उसमें स्टोर चार्ज भी क्या हो गया, डबल हो गया। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्टोर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। ओके, तो ये प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, एक कॉन्स्टेंट दैट इज सी। ओके, वेयर दिस सी इज, सी क्या है, इस सी को प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है ये सी। ओके, सी इज अ प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, और इस प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ये सी के एक्चुअली क्या होता है, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, दिस इज अ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ओके, सो फ्रॉम हियर डियर स्टूडेंट्स वी गेट अ रिलेशन बिटवीन द स्टोर चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। ओके, क्यू क्या है, स्टोर चार्ज, वी क्या है, पोटेंशियल ऑफ दिस बॉडी, ओके, दिस कंडक्टिंग बॉडी और दिस कैपेसिटर। ओके, तो यहां से अगर हम देखें कि व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, सो फ्रॉम हियर द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द
कैपेसिटर सी, अगर हम यहां से देखें फ्रॉम दिस रिलेशन, सिंस स्टोर्ड चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, स्टोर्ड चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज सी वी. सो फ्रॉम हियर कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज क्यू बाई वी. ओके, फ्रॉम हियर सी कैपेसिटेंस विल बी वॉट, दैट इज क्यू बाई सी. द रेशियो ऑफ स्टोर्ड चार्ज टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू क्या है, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. ओके, तो ये जो कैपेसिटेंस होता है डियर स्टूडेंट्स, किसी भी कैपेसिटर का वो किस पे डिपेंड करता है, किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, वो ना ही उसमें स्टोर्ड चार्ज पे डिपेंड करता है, ना ही उस बॉडी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे. बट अगर आप देख रहे होंगे कि इस फॉर्मूले से देखने से हमको ऐसा लग रहा है कि जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्टोर्ड चार्ज, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, पोटेंशियल, ऐसा लग रहा है इस फॉर्मूला को देख के. ओके, बट अगर हम देखें डियर स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लेके, कि मान लो कोई हमारे पास एक कैपेसिटर है, एक कंडक्टिंग बॉडी है, इसमें स्टोर्ड चार्ज कितना है, स्टोर्ड चार्ज क्यू है. ओके, हमने स्टोर्ड चार्ज को क्या किया, स्टोर्ड चार्ज को डबल कर दिया, स्टोर्ड चार्ज को कितना क्यू से क्या कर दिया, टू क्यू. अगर हमने स्टोर्ड चार्ज को डबल कर दिया तो पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए, स्टोर्ड चार्ज को डबल किया, पहले कैपेसिटेंस कितना था सी, तो अभी का कैपेसिटेंस कितना हो जाना चाहिए, पहले कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या था, सी इक्वल टू क्यू बाई वी, वी इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस बॉडी. अभी का कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो न्यू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्टोर्ड चार्ज कितना है, टू क्यू डिवाइडेड बाई पोटेंशियल ऑफ द बॉडी. तो हमने क्या देखा यहां पे, देखो तो कि चार्ज, स्टोर्ड चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, पोटेंशियल. अगर हमने यहां से देखे, चार्ज को हमने डबल कर दिया, स्टोर्ड चार्ज को, इसका मतलब क्या हुआ, इस बॉडी का पोटेंशियल पहले वी था, तो अभी कितना हो जाएगा, टू वी, वो भी डबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ओके, तो न्यू कैपेसिटेंस इक्वल्स टू क्या होगा, टू क्यू बाई टू वी. तो ये टू से टू क्या हो गया, कैंसिल, क्यू बाई वी इज इक्वल टू क्या, सी, जो ओल्ड कैपेसिटेंस था. तो किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है, ना ही वो उसमें स्टोर्ड चार्ज पे डिपेंड करता है, ना ही उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे. तो डिपेंड किस पे करता है, सो द कैपेसिटेंस जो होता है किसी बॉडी का, वो डिपेंड करता है उसके डायमेंशन पे. ओके, कैपेसिटर के साइज पे. ओके, कैपेसिटर का साइज पे डिपेंड करता है, ना कि उसमें स्टोर्ड चार्ज और उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे. एक को डबल करोगे दूसरा भी डबल हो जाएगा, एक को आधा करोगे दूसरा भी डबल, सेम प्रोपोर्शन में चेंज होता है. तो देखेंगे कि हम जो ओल्ड कैपेसिटेंस होगा वही न्यू कैपेसिटेंस भी रहेगा. मींस कैपेसिटेंस स्टोर्ड चार्ज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज करने से चेंज नहीं होता, जब तक हम उसके साइज, उसके डायमेंशन को चेंज ना कर दें. ओके, सो लेट अस सी, ये ऐसे एक एग्जांपल बताया. This. अब यहां से देखें कि what will be the SI unit of the capacitance. So SI unit देख लो, SI unit of capacitance. तो capacitance का SI unit क्या होगा? तो SI unit of capacitance C equals to क्या है? Q by V. चार्ज का SI unit क्या होता है? तो यहां से देखो dear students, from here ये formula, since C equals to क्या है? C equals to Q by V. Okay. So the SI unit of C, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और बोल्ट का यूनिट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट बोल्ट्स. तो क्या हो गया, कूलम पर बोल्ट्स. और ये कूलम पर बोल्ट्स को क्या बोल देते हैं हम लोग, दैट इज फैराडे एंड कैपिटल एफ से लिखते हैं. ओके, तो SI यूनिट क्या होता है कैपेसिटेंस का, दैट इज फैराडे. ओके, क्योंकि कैपेसिटेंस के बारे में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था, कैपेसिटेंस को. ओके, दैट फैराडे, इसलिए उन्हीं के नाम में, उनके रिस्पेक्ट में इसको, इसका यूनिट रख देते हैं कि कैपेसिटेंस का SI यूनिट क्या होता है, दैट इज फैराडे. ओके, एफ, कैपिटल एफ होता है. ओके, दिस SI यूनिट.
सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि कैपेसिटेंस का डिपेंडेंसी, कैपेसिटेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ द डायमेंशन या साइज ऑफ द कैपेसिटर. इट नाइदर डिपेंड्स ऑन द स्टोर्ड चार्ज नॉर इट्स पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द बॉडी. ओके, तो इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो. ओके, दिस, सो लेट अस नोट इट डाउन. लेट्स सी, स्टोर्ड कैपेसिटेंस नोट करके लिख लो एक रिमार्क लगा के. ओके, कि जो किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है वो ना ही उसके स्टोर्ड चार्ज पे डिपेंड करता है ना ही उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे. ओके, दिस, सो नोट करके लिखे, फर्स्ट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटर डजंट डिपेंड depend on the stored charge and the electric potential. Okay, electric potential of the capacitor. Okay, किस पे depend करता? तो dimension पे, size पे depend करता. Okay, तो लिख ले, क्या लिखेंगे? कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स ओनली ऑन द डायमेंशंस, या बोले साइज ऑफ द कैपेसिटर. कैपेसिटर, अगर हम मार्केट से एक कैपेसिटर खरीद के लाते हैं, ओके, तो उसका कैपेसिटेंस हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ओके, तो कैपेसिटेंस एक बार जो मैन्युफैक्चरर ने किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिजाइन किया, कि मान लो हमारे पास एक कैपेसिटर हमने खरीद के लाया 6 माइक्रोफेरेड का, ओके, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ना ही हम उसमें ऐसा नहीं होगा कि स्टोर चार्ज को ज्यादा कर दे तो उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ज्यादा कर दे तो उसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा. नो, कैपेसिटेंस चेंज हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसके डायमेंशन को चेंज नहीं कर सकते. जब तक हम डायमेंशन को, साइज को चेंज नहीं करेंगे, तब तक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा. ओके, मीन्स हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट अंटिल द साइज ऑफ द कैपेसिटर विल चेंज. ओके, तो यही हमने लिखा है कि ना ही इसमें स्टोर्ड चार्ज पे डिपेंड करता है, ना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, तो किस पे डिपेंड करता है? कैपेसिटर के डायमेंशन या बोले कैपेसिटर के साइज पे. अगर हम कैपेसिटर का साइज या डायमेंशन चेंज करेंगे ओनली देन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल चेंज. ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी, अगर हमको, हमने कुछ देखते हैं रीजन, अगर हमको क्या करना होता है, किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ाना है, किसी कैपेसिटर में अगर स्टोर्ड चार्ज, ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर करना है, ये हमारा यही एम होता है. स्टोरेज को लेके क्या होता है हमारा एम? मान लो हम घर में बकेट खरीद के लाते हैं, क्या करने के लिए लाते हैं? पानी को स्टोर करने के लिए. ज्यादा पानी स्टोर करना होता तो छोटा सा बकेट में भर दोगे, ऐसा नहीं होगा. ओके, एक 20 लीटर का बकेट खरीद के लाए तो उसमें 20 लीटर ही पानी स्टोर कर पाओगे. ओके, उसके कैपेसिटी को चेंज नहीं कर सकते अंटिल उसका डायमेंशन चेंज ना करें. ओके, तो हम क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर हमको किसी, मान लो पानी, वाटर ज्यादा स्टोर करना है तो बड़ा साइज का हमारे पास बकेट होना चाहिए. जो वाटर कंटेनर है उसका साइज बड़ा होगा. ओके, हमको 100 लीटर स्टोर करना है तो 100 लीटर का हम खरीद के लाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हम 20 लीटर वाले बकेट में ही 100 लीटर स्टोर कर देंगे. ओके,
तो जो हमने एक बार बकेट खरीद के लाया 20 लीटर का, तो उसमें 20 लीटर ही स्टोर कर पाओगे, चाहे पानी स्टोर करो चाहे कुछ भी स्टोर करो। ओके, तो स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो सिमिलरली हियर कि हम बोल रहे हैं कि कैपेसिटेंस हम चेंज नहीं कर सकते अंटिल उसका डायमेंशन या साइज ऑफ द कैपेसिटर चेंज ना करे। ओके, चाहे उसमें कितना भी चार्ज स्टोर करो। तो अगर हम देखें कि मान लो क्या होता है कि हम एक व्हाट हैपेंस अगर हम मार्केट से एक 20 लीटर का बकेट खरीदते हैं, कितने लीटर का बकेट है ये, 20 लीटर का बकेट है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, वाटर स्टोर कर रहे हैं, वाटर स्टोर कर रहे हैं। हमने यहां से टैप खोल के रखा है और ये टैप से पानी यहां से वाटर स्टोर हो रहा है। ओके, धीरे धीरे स्टोर होते जा रहा है, 5 लीटर 10 लीटर होते 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 जब 20 लीटर फुल स्टोर हो गया तो ये बकेट क्या हो जाएगा, फुल। इससे ज्यादा स्टोर करोगे तो क्या होगा, अगर हम 20 लीटर से ज्यादा स्टोर करने की ट्राई करेंगे देन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी ओवरफ्लो, पानी का क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, देयर विल बी ओवरफ्लो। ओके, तो क्या यहां पे हम देख रहे हैं कि जितना कैपेसिटी था उसका उतना हमने स्टोर कर दिया, कैपेसिटी से ज्यादा अगर हम स्टोर करने लगे तो क्या हो गया, ओवरफ्लो, या हम बोल दे लीकेज होने लगा। ओके, सो सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सिमिलरली देखें कि हमारे पास कोई एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर में हम क्या स्टोर करते हैं, चार्ज। एक हमारे पास कैपेसिटर है, हमने इसमें चार्ज स्टोर करना स्टार्ट किया, स्टोर करते जा रहे हैं 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 स्टोर करते जा रहे हैं, कितना स्टोर कर सकते हैं, कुछ इसकी भी तो कैपेसिटी है। ओके, किसी भी कैपेसिटर का कुछ कैपेसिटी है कि उससे ज्यादा हम स्टोरेज नहीं कर सकते। ओके, तो अगर हम डियर स्टूडेंट जितना उसका कैपेसिटी है मैक्सिमम कितना चार्ज स्टोर कर सकता है उतना वही उसकी कैपेसिटी हो गया, उससे ज्यादा अगर हम स्टोर करने लगेंगे तो क्या होगा, देन देयर विल बी लीकेज ऑफ चार्ज। जैसे यहां पे 20 लीटर का बकेट था तो 20 लीटर पानी स्टोर कर सकते हो, उससे ज्यादा स्टोर करोगे तो क्या होगा, ओवरफ्लो, लीकेज होगा। ओके, सिमिलरली यहां पे हमारे पास एक कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में हम क्या स्टोर करते हैं, पानी तो स्टोर करेंगे नहीं, चार्ज स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो हम जब इसमें चार्ज स्टोर कर रहे हैं तो चार्ज स्टोरेज की भी कोई कैपेसिटी होगी इस बॉडी का, हाँ होता है। ओके, अगर उस कैपेसिटी जितना इसका कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने का उससे ज्यादा अगर हम चार्ज स्टोर करने लगेंगे देन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी लीकेज ऑफ चार्ज। हम जितना चार्ज देंगे कैपेसिटी पार करने के बाद में, फुल्ली जब एक फुल्ली स्टोर हो गया जितना स्टोर मैक्सिमम कर सकते थे चार्ज, उससे ज्यादा अगर हमने स्टोरेज किया तो चार्ज का क्या होगा, लीकेज। कैसे लीकेज होता है, तो देखो क्या होगा, इसके सराउंडिंग में क्या है, ये जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर के सराउंडिंग में क्या है, इसके सराउंडिंग्स में क्या है, एयर। सराउंडिंग में क्या है डियर स्टूडेंट्स, एयर। एयर क्या होता है, एयर इज डाइलेक्ट्रिक। एयर क्या है, इज डाइलेक्ट्रिक्स, इंसुलेटर है। ओके, तो व्हाट हैपेंस जब हम चार्ज को स्टोर करते जाएंगे एक कैपेसिटी से ज्यादा, जितना मैक्सिमम स्टोरेज कर सकते हैं विदाउट लीकेज हमने कर लिया, उससे ज्यादा अगर हम चार्ज स्टोर करेंगे देन व्हाट विल हैपन, देन क्या होता है, ये जो एयर है जो डाइलेक्ट्रिक्स है इसके चारों तरफ, उस डाइलेक्ट्रिक का क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ये हमने बताना चाहिए था फर्स्ट चैप्टर में, वहां हमने छोड़ दिया, मतलब भूल गया, ओके मिस हो गया। तो यहां पर हम देखेंगे कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो हम जब कैपेसिटी से ज्यादा चार्ज स्टोर करने लगेंगे देन देयर विल बी डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ओके, इसके साथ चारों तरफ इंसुलेटर क्या है, एयर। एयर का क्या, एयर के जो एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। ओके, क्या होता है डाइलेक्ट्रिक, उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने से क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर दिस मच इज Enough, okay. Next lecture में हम लोग देखेंगे कि how much charge we can store, okay. And अगर हमको ज्यादा charge store करना है तो हमको क्या करना पड़ता है, okay. ज्यादा charge store करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. ओके सो डियर स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग मिलेंगे. ओके कि कितना चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं. ओके इंसुलेटर कैसे चार्ज का लीकेज होता है, विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. ओके.